मेवातनू के बोडी कोठी के समीप ट्रक व हरियाणा रोडवेज की बड़ी जोरदार भिड़ंत हो गई। हरियाणा रोडवेज बस में सवार करीब 2 दर्जन से अधिक यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें 2 लोगों की आंखें खराब होने की खबर मिल रही है। बस एक्सीडेंट से पूरे मेवात में मातम छाया हुआ है। शनिवार की सुबह करीब 11 बजे खूनी रोड के नाम से जाने जाने वाला दिल्ली अरवल रोड पर बोडी कोठी के पास एक हरियाणा रोडवेज बस और ट्रक की आमने सामने से जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें करीब 20 लोग घायल हो गए। एक्सीडेंट के बाद आसपास के लोगों ने घायलों को उपचार के लिए नज़दीकी अल आफिया हॉस्पिटल मांडीखेड़ा पहुँचाया गया। कुछ लोगों की हालत को गंभीर देखते हुए उन्हें नल्लड मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। कुछ लोगों को दिल्ली अलवर रोहतक के लिए भी रेफर कर दिया गया है। जमीयत उलेमा हरियाणा के सदस्य मौलाना साबिर मजाहिरी ने जख्मी लोगों की पूरी हेल्प करते हुए इंसानियत का सबसे बड़ा फर्ज निभाया है और कहा कि अगर जख्मियों को ब्लड की ज़रूरत पड़ेगी तो जमीयत उलेमा उसका भी इंतजाम करेगी। जमीयत उलेमा हरियाणा सरकार से अपील करती है कि घायलों के लिए मुनासिब मुआवजा दिया जाए और खूनी रोड को जल्द से जल्द 4 लाइन किया जाए। इलाका मेवात में आज बहुत बड़ा हादसा हुआ है हरियाणा रोडवेज के एक्सीडेंट होने की वजह से, जिसमें दर्जनों लोग जख्मी हो गए और हालात इतने नाजुक थे, बड़े चोटिल और बड़े जख्मी हुए हैं। जमीयत उलमा ने नौजवान साथियों के साथ उनकी पूरी हेल्प करी है और इस वक्त गम का इजहार किया है, जिसमें से 10-12 लोग मेडिकल लल्लड़ हॉस्पिटल में हैं, जो डॉक्टर पूरी देख देख में अच्छा उनका इलाज कर रहे हैं माशाल्लाह, और कुछ मांडीखेड़ा में हैं। आगे हम परिजनों के लिए इस गम की शरीक में पूरा इलाका मेवात खड़ा हुआ है और हरियाणा सरकार से जमीयत उलमा हिंद पुरजोर अपील करती है कि जो हरियाणा रोडवेज में जख्मी हुए हैं उनके लिए मुनासिब जल्द मुआवजा दिया जाए। मुझे लगभग 1 घंटा पहले जानकारी मिली कि बोडी कोठी के नज़दीक में एक रोडवेज बस का एक्सीडेंट हुआ और उसमें जानकारी मिली कि 20 से 25 लोग जख्मी भी हुए हैं। बहुत दुख हुआ और मुझे एक साथी ने जानकारी दी कि मौलाना साबिर मजाहिरी कुछ साथियों को लेकर के मेडिकल कॉलेज नल्लड़ पहुँचे हैं। मैं तुरंत यहाँ पर पहुँचा और मैंने देखा मौलाना साबिर मजाहिरी की जो मेहनत रही और जो लोग जख्मी थे उनके परिजनों से मैं मिला और डॉक्टर से बात की। कुछ लोगों को यहाँ से रेफ़र कर दिया गया है अन्य हॉस्पिटल्स में, जैसे कि रोहतक, दिल्ली, अलवर, लेकिन हालात कुछ लोगों के इतनी ज़्यादा गंभीर हैं, उनके लिए दुआएं करें। पूरा इलाका मेवात उनके साथ में है, हम भी उनके साथ में खड़े हैं और हम हरियाणा सरकार से यही गुजारिश करेंगे जो लोग उसमें जख्मी हुए हैं, घायल हुए हैं, उनके लिए मदद करें, उनके लिए मुआवजा दें। 4 लेन जो ये रोड है इसके बारे में आप क्या कहते हैं? 4 लेन रोड तो नहीं है, ये नेशनल हाईवे होते हुए भी ये सिंगल रोड है और इसके लिए हमारी साल 2018 से मैंने खुद ने अपने हाथ से इस पे खूनी रोड इसका नाम दिया, लेकिन सरकार नहीं सुनेगी और हम लोगों ने काफ़ी इसके लिए आवाज़ उठाई है और हम भी आज भी ये कहते हैं कि इस रोड को जब तक 4 लेन नहीं बनाया जाएगा ये हादसा ऐसे ही होते रहेंगे।